हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू ओन चैनल गरीब इंग्लिश क्लासरूम एम अंजुस एंड टुडे आई एम टीचिंग यू प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ मॉडल वर्ब्स अब जब हम ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वही सारे जितने भी रूल्स हैं सभी मॉडल वर्ब से रिलेटेड उन सभी की हम एक शॉर्ट रिवीजन लेंगे तो जल्दी से हम अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं अगर आपने अपने इस चैनल गरी इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अनाउंसमेंट सेट दैट द ट्रेन डैश अराइव एट प्लेटफॉर्म नंबर थ्री अब यहाँ पर क्या अनाउंसमेंट की गई है अनाउंसमेंट क्या की गई है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर थ्री पर आएगी या पहुंचेगी कुछ भी आप कह सकते हैं तो यहाँ पर फ्यूचर की बात की गई है तो फ्यूचर की जब बात की जाती है फिर आप वुड का यूज नहीं करते कैन और माइट का भी यूज नहीं करते फिर आप क्या यूज करते हैं फिर आप विल का यूज करते हैं राइट नेक्स्ट सेंटेंस डैश डांस अब यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्ट है वी और वी के साथ आप क्या यूज करते हैं आई और वी के साथ आप शेल का यूज करते हैं राइट right? तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे विल का यूज नहीं करेंगे कैन और शुड का यूज तो नहीं होगा तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे आपका राइट ऑप्शन होगा शेल नेक्स्ट सेंटेंस द पेशेंट टेकन टू द हॉस्पिटल राइट नाउ यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है राइट right नाउ अभी लेकर जाना है हॉस्पिटल पेशेंट को हिज कंडीशन इज नॉट गुड उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आप कुट का यूज तो नहीं करेंगे और इसमें शेल का भी यूज नहीं होगा आपके पास है कैन और मस्ट द पेशेंट कैन टेकन टू द हॉस्पिटल या द पेशेंट मस्ट टेकन टू द हॉस्पिटल यहाँ पर क्या बोला गया है की उसकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है यहाँ पे कंडीशन कैसी दिखाई गई है बहुत ज्यादा क्रिटिकल दिखाई गई है तो ऐसी कंडीशन में आप कैन का यूज नहीं करते हैं फिर आप मस्ट का यूज करते हैं कैन इतना स्ट्रांग इतना पावरफुल नहीं है जितना कि मस्ट यहाँ पर हम मस्ट का यूज करेंगे क्योंकि उसकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और उसको अब भी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर आप कैन का यूज नहीं करेंगे आप यहाँ पर मस्ट का यूज करेंगे राइट नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है डैश आई हैव आइसक्रीम मदर अब यहाँ पर मदर से परमिशन की बात की गई है राइट right? तो यहाँ कोई फॉर्मल एरिया नहीं है जहां पर फॉर्मेलिटीज का एरिया होता है फॉर्मेलिटीज वाला एरिया होता है अथॉरिटी से बात करनी हो हाई अथॉरिटी से बात करनी हो या स्कूल कॉलेजेस की बात हो हॉस्पिटल की बात हो तो वहां पर हम बहुत फॉर्मल होकर बात करते हैं तो फिर हम वहां पर मेक का यूज करते हैं बट यहाँ पर तो परमिशन किससे लेनी है मदर से परमिशन ली गई है तो यहाँ पर हम मे का यूज नहीं करेंगे आप क्या यूज करेंगे यहाँ पर वुड और शेल का तो यूज होगा ही नहीं आपके पास दो ऑप्शन थे सेम मे और कैन क्योंकि मे का यूज भी हम परमिशन के लिए करते हैं और कैन का यूज भी हम परमिशन के लिए करते हैं तो जो फॉर्मल एरियाज होते हैं फॉर्मेलिटीज वाले एरियाज होते हैं वहां पर हम मे का यूज करते हैं यहाँ मदर से परमिशन मांगने के लिए आपको मे यूज करने की जरूरत नहीं है आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे आपका राइट ऑप्शन कैन होगा नेक्स्ट सेंटेंस शी इंग्लिश व्हेन शी वाज़ टेन अब यहाँ पर देखिए क्या बात की गई है व्हेन शी वाज़ टेन मींस पास्ट की बात की गई है तो यहाँ पर आप कैन का तो यूज नहीं करेंगे और मे का भी यूज नहीं करेंगे अब जब हैबिट की बात की गई है वो कब से बोलती है जब वो कितने इयर्स की थी जब वो टेन ईयर की थी तो ऐसी कंडीशन में आप किसका यूज करते हैं जब मैंने आपको कुड और यूज टू टीच किया था तो मैंने आपको बताया था कि जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम कुड का यूज करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट right ऑप्शन होगा कुड वुड का यूज नहीं किया जाएगा शी कुड स्पीक इंग्लिश वेन शी वॉज टेन नेक्स्ट सेंटेंस दे डैश रिपोर्ट अगेंस्ट अस इफ वी डू नॉट बिहेव प्रॉपरली अगर हम बिहेव प्रॉपरली नहीं करेंगे तो वो क्या कर सकते हैं दे डैश रिपोर्ट अगेंस्ट अस तो वो हमारे खिलाफ रिपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे यहाँ पर एक थ्रेटनिंग की बात की गई है और थ्रेटनिंग के एरियाज में आप क्या यूज करते हैं आप शेल का यूज करते हैं यहाँ पर इफ यू डोंट बिहेव प्रॉपरली अगर आप बिहेव प्रॉपरली नहीं करेंगे तो आपके अगेंस्ट रिपोर्ट कर दी जाएगी तो यहाँ पर आप थ्रेटनिंग वाले एरिया में आप शेल का यूज करते हैं विल कैन और मे का यूज नहीं होगा तो आपका राइट right ऑप्शन क्या है आपका राइट right ऑप्शन होगा यहाँ पर शेल दे शेल रिपोर्ट अगेंस्ट अस इफ वी डू नॉट बिहेव प्रॉपरली जब मैंने आपको विल और शेल मॉडल वर्ब टीच करवाया था तो मैंने आपको ये बताया भी था कि जहां पर भी थ्रेटनिंग वाला एरिया होता है तो वहां पर आप शेल का यूज करते हैं और यहाँ पर एक धमकी दी गई है तो यहाँ पर आप शेल का यूज करेंगे विल का यूज नहीं करेंगे राइट अब देखिए नेक्स्ट है इफ यू डोंट लीव आई डैश कॉल पुलिस यहाँ पर एक वार्निंग दी गई है राइट और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है आपका सब्जेक्ट आई है और क्या कहा गया कि अगर आप हमें नहीं छोड़ेंगे तो पुलिस को बुला लिया जाएगा करेक्ट अब आई और वी के साथ विल का यूज कब किया जाता है जब एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होती है मैंने आपको पहले भी बताया था कि he, she, it, they के साथ शेल का यूज तब किया जाता है जब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो और आई और वी के साथ भी विल का यूज कब किया जाता है जब एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो स्ट्रॉन्ग कमेंट किया गया है कि अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो पुलिस को बुला लिया जाएगा तो यहाँ पर भी आई के साथ आप विल का यूज करेंगे राइट वुड कैन और कुड का तो यूज नहीं होगा यहाँ पर आई और बी के साथ जब क्या है जब एक स्ट्रॉन्ग कमांड की गई है स्ट्रॉन्ग कमांड की गई है तो वहां पर आप विल का यूज करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट right ऑप्शन होगा विल करेक्ट नेक्स्ट सेंटेंस दे डैश नॉट अंडरस्टैंड इट बिकॉज इट वॉज टू डिफिकल्ट तो यहाँ पर इट वॉज टू डिफिकल्ट वॉज यहाँ पर क्या बता रहा है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा कठिन था तो वो नहीं समझ पाए तो ऐसे में आप कैन का तो यूज नहीं करेंगे क्योंकि कैन का यूज तो हम प्रेजेंट में करते हैं विल का यूज भी नहीं होगा और शेल का यूज भी नहीं किया जाएगा आप क्या यूज करेंगे यहाँ पर आप यहाँ पर कुड का यूज करेंगे राइट right? और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और अपने इस चैनल गोरिद इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब करना ना भूलें ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमें भी मोटिवेशन तभी मिलेगी आप सभी व्यूवर्स जब हमें बहुत सारे लाइक्स देते हैं और कॉम्प्लीमेंट देते हैं और वीडियोस को लाइक करने के बाद अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं तो हमें उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल वीडियो बनाने की तो ये जो प्रोसेस है इसको कॉन्टिन्यूस रखिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाए तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आपका सेंटेंस है राम डैश कीप हिज वर्ड्स एज ही हैज रिपे ऑल हिज लोन अब यहाँ पर देखिए क्या बात की गई है कि राम को अपने वर्ड्स का पक्का होना चाहिए कीप हिज वर्ड एज ही हैजू रिपे ऑल हिज लोन जैसे कि उसको पता ही है कि उसको अपना जो लोन है वो रिपे करना है तो उसको अपने वर्ड्स का पक्का होना चाहिए चाहिए की सेंस आ रही है तो आप यहाँ पर मे का यूज नहीं करेंगे वुड का भी यूज नहीं होगा शेल का भी यूज नहीं होगा चाहिए की सेंस है तो आप क्या यूज करेंगे यहाँ पर आप शुड का यूज करेंगे राइट आपका राइट ऑप्शन है शुड करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आई ऑर्डर पिज्जा टू नाइट यहाँ पर भी देखिए साइन इंटेरोगेटिव भी है और आपका सब्जेक्ट जो है आपका सब्जेक्ट क्या है आपका सब्जेक्ट भी आई है और आई के साथ आप क्या यूज करेंगे आई के साथ आप शेल का यूज करेंगे करेक्ट तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा शेल विल कुड और मस्ट का तो यूज नहीं किया जाएगा नेक्स्ट सेंटेंस आई डैश कुक डिनर फॉर एवरी वन टू नाइट सो यहाँ पर आई डैश कु डिनर फॉर एवरी वन मैं आज रात सबके लिए खाना बना सकती हूँ तो यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है कुड तो हम पास्ट के लिए यूज करते हैं मैं कम पॉसिबिलिटी को दर्शाता है ठीक है तो यहाँ पर हम मे का यूज भी नहीं करेंगे वुड का तो यूज होगा ही नहीं कैन और मे है तो जब इन दोनों की बात है कैन की भी और मे की तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया आई डैश कुक डिनर यहाँ पर खुद वो बोल रही है कि मैं सबके लिए खाना बना सकती हूँ राइट तो यहाँ पर जो कैन है वो ज्यादा स्ट्रोंग है कंपेरेटिवली मे के राइट तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन मे नहीं होगा राइट ऑप्शन होगा आपका करेक्ट नेक्स्ट सेंटेंस एवरी वन डैश पे डर टैक्सेस सभी को अपने टैक्सेस पे करने चाहिए ये सभी क्या बनती है ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि सभी को अपने टैक्स पे करने चाहिए तो यहाँ पर आपको क्या यूज चाहिए अब यहाँ पर कुड का तो यूज नहीं होगा और वुड का भी यूज नहीं होगा अब यहाँ पर देखिए आपका एक ऑप्शन है मस्ट और दूसरा ऑप्शन है आपका शुड दोनों का ही मतलब होता है चाहिए बट शुड और मस्ट में ज्यादा स्ट्रोंग ज्यादा पावरफुल कौन है ज्यादा पावरफुल आपका मस्ट है क्योंकि सभी को क्या करना चाहिए सभी को ही टैक्सेस पे करने चाहिए राइट तो शुड का यूज नहीं होगा अगर यहाँ पर मस्ट ना होता फिर हम शुड का यूज कर सकते थे बट जब यहाँ पर मस्ट है तो हम यहाँ पर मस्ट का यूज करेंगे क्योंकि मस्ट इज मोर पावरफुल देन शुड तो यहाँ पर राइट right ऑप्शन हो आपका मस्ट होगा शुड नहीं होगा राइट right? तो ये थी आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज के साथ टिल देन बाय